जयपुर से एक और बड़ी खबर आपको दें कि एसीपी सोडाला राम सिंह की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 13 वर्षीय बालिका का अश्लील वीडियो बनाकर दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार किया गया है। महेश नगर थाना पुलिस ने आरोपी मोहित मौर्य को गिरफ्तार किया है। एक बाल अपचारी को भी निरुद्ध किया गया है। मोहित मौर्य ने पहले बालिका का अश्लील वीडियो बनाया, उसके बाद सार्वजनिक करने की धमकी देकर होटल में बुलाया, होटल के रूम में दुष्कर्म कर उसका भी वीडियो बनाया और रोजाना के अत्याचार से तंग आकर मासूम ने अपने परिजनों को पूरी जानकारी दी। परिजनों ने एसीपी सोडाला राम सिंह से न्याय की गुहार लगाई। पुष्टि होने पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। अब आरोपी से पूछताछ की जा रही है। तो देखिए, एसीपी से न्याय की गुहार लगाई गई थी और हालांकि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सत्यनारायण मेरे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सत्यनारायण, इस खबर के बारे में भी जानकारी दीजिएगा। देखिए, महेश नगर थाना लकी घटना है जहाँ पर एक मासूम बालिका जो कि अपने रोजाना स्कूल जाती थी, स्कूल से घर आती थी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि जो आरोपी है उसने उस बालिका का असली वीडियो बनाया। उसके बाद में उसको धमकी दी कि अगर तू मेरे बुलाए स्थान पर नहीं है तो मैं इस वीडियो को वायरल कर दूंगा। बालिका डर गई और अपने पिता की इज्जत को देकर वो उसके बुलाए स्थान पर चले गए, जहाँ पर जो आरोपी है मौर्य उसने उसके बालिका के साथ दुष्कर्म किया। और यही नहीं, जो नाबालिग आरोपी है उसने इसका वीडियो बनाया, उस वीडियो को वायरल करने के नाम पर लगातार वो उसके रोजाना दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देते आ रहे थे। ऐसे में पीड़िता ने तंग आकर अपने परिजनों को ये बात बताई और उसके बाद में परिजनों ने एसीपी राम सिंह से न्याय की गुहार लगाई। जब पुष्टि हुई, लोकेशन मिली तो उसके आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया, तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। अब उसको होटल से उसके रिश्त के आधार पर पूरी जानकारी ली जा रही है और साथ साथ दोनों आरोपियों को पूछताछ की जा रही है। हालांकि जो दूसरा आरोपी है वो नाबालिग है, उसको निरुद्ध किया गया है, लेकिन जो बालिग आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, उनको पीछे रिमांड पर लिया गया है। अब आरोपी से पूछताछ की जाएगी। कुछ जोधपुर का बताया जा रहा है कि इस वारदात में और कौन कौन शामिल है, वारदात में और भी कुछ शामिल हो, ऐसे में अब पूछताछ की जाएगी। और साथ साथ जो परिजन है वो आभार जता रहे हैं एसपी राम सिंह से, उन्होंने त्वरित कार्रवाई करी और इस पूरी कार्रवाई के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है। सत्यनारायण, एक बात और आपसे जानना चाहेंगे, ये जो आरोपी है वो कहाँ का बताया जा रहा है और जो लड़की है वो उसके संपर्क में कैसे आई? लड़की उसके संपर्क में नहीं आई थी, बल्कि आरोपी जोधपुर का रहने वाला है, उस जयपुर में रहकर स्टडी कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है आमने सामने मकान से, लेकिन अपने घर पे कुछ निजी हालत के अंदर आरोपी ने उसको देख लिया, उसी समय उसने उसका वीडियो बना लिया और वही वीडियो उसके जीवन का जंजाल बन गया। उस वीडियो का वो फोटो पहुंची और फिर उसका एक और वीडियो बनाया गया, उसको वायरल करने की धमकी देकर उसका दुष्कर्म किया गया। तो लगातार जब ऐसी घटना बढ़ रही थी, लगातार उसके ऊपर अत्याचार बढ़ रहे थे, उसके बाद में उसके अपने परिजनों को मेरे साथ ऐसा हो रहा है इस उम्र के अंदर, उसके बाद में उनका परिवार जगह है, उसके बाद में पुलिस को सूचना पहुंची है, मामला दर्ज हुआ है और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है। बिल्कुल सत्यनारायण, बड़ी कार्रवाई है वाकई में ये, क्योंकि लड़की से जुड़ा हुआ पूरा मामला, लेकिन गिरफ्तार आरोपी को कर लिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए, बातचीत के लिए।